क्या हुआ अर्जुन? स्नेक, आई एम सॉरी, बाहर तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा, आई एम श्योर मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया होगा, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगा जब मैं तुमसे बात कर रहा था कि तुम नहीं हो, तुम अंजलि हो। कि वैसे अंजलि कहाँ है? ऑल्दो उसने मुझसे कहा था कि वो फार्म हाउस जाएगी, लेकिन रात से गायब है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, इतनी देर कैसे होगी? क्या बोल रही हो? तुमको मालूम है मैं शादीशुदा हूँ और तुम कैसी बातें बोल रही हो? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। और अगर मैं सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। अब इनके साथ जाओ और इनका ख्याल रखो। अंजलि, तुम ऐसे नहीं जा सकती। नो, इस मैटर में आप इंटरफेयर मत कीजिए। ऋषभ ने जो क्राइम किया है उसकी सजा उनको मिलकर रहेगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही शरीफ लड़का है, हमारी औलाद है वो। हम जानते हैं वो किस तरीके का नेचर का इंसान है। अरे वो तो औरतों की इतनी इज्जत करता है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा घिनौना काम किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। खुद से ज्यादा मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरा ऋषभ। हर माँ को अपने बेटे के बारे में ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको हमारे परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है, राखी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, राखी मॉम कभी भी अपने बच्चों की साइड नहीं लेंगी अगर वो गलत है। राखी मॉम सही को सही और गलत को गलत मानती है, और आप उस लड़की की बात मान रहे हो? झूठ बोल के गई है वो, उसके मासूम शक्ल पे मत जाना, उसने झूठ बोला है। इंस्पेक्टर साहब, हम सब जानते हैं ऋषभ जीज कैसे है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। काले, ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं? मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, हम बोल रहे हैं आपको। इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, हमें एक्शन लेना ही होगा इनके खिलाफ। अरे तो हम करेंगे ना काउंटर कंप्लेंट। झूठी कंप्लेंट की है उसने भैया के खिलाफ, इसी बात पे कंप्लेंट करूंगी मैं उसकी। हम बेवकूफ नहीं है जो किसी की बात में भी आ जाएं। हम अपना काम कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ आए हैं तो इनको अरेस्ट करने आए हैं। और वैसे भी हम इस मैटर पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। कितने टाइम से? कल रात से हम इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने मिस्टर लूथरा के सारा बैकग्राउंड चेक किया है। मुझे नहीं पता कि आपको एक रात में क्या पता लगा या क्या नहीं पता लगा, लेकिन जो भी पता लगा ना, गलत लगा। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, क्या एक रात काफी होती है किसी की हिस्ट्री जानने के लिए? आप मेरे बेटे की हिस्ट्री नहीं जानते, और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की? क्या किया मैंने? Oh, really? तो अब तुम ऐसे शॉक्ड बिहेव करोगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है? सच में मुझे कुछ नहीं पता, हुआ क्या है? ऋषभ जी अरेस्ट हो गए, और इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या? Stop it! इस तरह से अनजान बनना बंद करो। अच्छे से मुझे पता है कि तुमने ये काम करा है। मोलेस्टेशन का चार्ज लगा है ऋषभ जी पर। इतने सीधे साधे नेक इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगवाया है, और किसी और के थ्रू नहीं, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अंजलि के थ्रू। उनके हाथ में हथकड़ी पहनाकर पुलिस उन्हें लूथरा मैंशन के बाहर ले गई। मीडिया ने देखकर तरह तरह की बातें की, लूथरा परिवार की बदनामी की, सब तुम्हारी वजह से। आई थिंक रीता, कोई गलत फहमी हुई है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ इंटीमेशन ही नहीं था। गलत फहमी? रीता बेटा, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आके बैठ जाओ ना। दादी, क्या आपको पता है कि इसने क्या किया? ये सब कोई गलत फहमी है बेटा, तुम आराम से बैठो, शांत हो जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। ये सब कोई गलत फहमी नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। रीता, तुम शांत हो जाओ, ओके? एक काम करते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ बैठ के बात करने नहीं आई हूँ, ना ही पानी पीने आई। मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आई हूँ। इस बार जो तुमने प्रॉब्लम खड़ी की है, इस प्रॉब्लम में तुम ही फंसोगे। हर बार की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करके उससे तुम्हें भागने नहीं दूंगी मैं।
क्योंकि इस बार तुमने हर दायरा पार कर लिया है। प्रीता देखो तुम गुस्सा मत हो, जिस काम गुस्सा क्या होता है? गुस्सा नहीं हूँ मैं। तुमने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है कि मैं तुमसे अपसेट हो गई हूँ। तुमने गुना किया है, गुना गुना। अंजलि के थ्रू मेरे पति को अरेस्ट करवाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो बेटा, देखो देखो, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम सुनो, आज तक तुमने मुझ में एक बहुत ही साधारण लड़की देखी, एक सिंपल सी फैमिली की सिंपल सी प्रीता, लेकिन जब मेरी फैमिली की रक्षा करने की बात आती है ना, तो मैं एक अलग रूप धारण कर लेती हूँ। और वो रूप क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उसे देखकर तुम जरूर चौंक जाओगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ अंजलि से तुमने करवाया है। तुम चाहे मुझे दुनिया से गायब कर दो, पर मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुंडली भाग्य ही ऐसा है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मुझसे दूर कर सकता हूं, पर इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ गलतफहमी की वजह से तुम्हें मैं तुम्हारी दुनिया से अलग होने नहीं दे सकता, और वो गलती जो मैंने की ही नहीं है, उस वजह से तो हरगिज नहीं। बातें बहुत अच्छी बना लेते हो तुम, और भोला चेहरा भी, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा बहुत ही काला है और बुरा है। और अब वो असली चेहरा मैं दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था? नहीं, बोलने पे आऊं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल जो जरूरी था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तुमसे कहा कि मैंने अंजलि से ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए। अगर भगवान भी मुझे आकर कह देना कि ऋषभ जी के अरेस्ट होने में तुम्हारा हाथ नहीं है, तो भी मैं मानूंगी नहीं। देखो प्रीता, तुम ना मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। तुम देखो, अब तुम देखना तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच में मैं खड़ी हूं, और उन्हें इस इल्जाम से। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं उनके साथ? मैं आपको बाहर निकलवा लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी। आज मेरे परिवार की तरह आप भी मेरे साथ खड़ी हैं, मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत बन गए। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही शरीफ लड़का है। अरे वो तो औरतों की इतनी इज्जत करता है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा घिनौना काम किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरा ऋषभ। आपने सुना नहीं, मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, बोल रहे हैं आपको। थैंक यू भगवान जी कि आपने ऐसा परिवार में इतना प्यार करता है, इतना विश्वास करता। और क्या मांगू मैं आपसे, आपने तो यहां पे रहते रहते स्वर्ग दे दिया। क्या हुआ भाई, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ी घर की याद आ गई थी। कि मैं तुमसे ये सब कहूंगी, लेकिन ये सब कहने के लिए मजबूर तुमने किया। आपको मुझसे जो कहना है आप कहिए, प्लीज रोइए मत। मेरे आंसू पोंछने का हक तुम्हें नहीं है, और ना कभी मिलेगा। अपनी हक मेरा हो। भाभी चलिए। नहीं करीना थी, आज मुझे इससे बात करनी है, इसे बताना है कि इसने क्या किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे करण से किया करती थी। फिर भी तुमने मेरे साथ एक माँ के दिल के साथ
उसकी ममता के साथ खेला। क्या हो गया आपको भाभी? कितनी बार मैंने आपसे कहा है, आप इसे हर बार करण के साथ कंपेयर क्यों करती हैं? ये करण नहीं है और ना ही कभी हमारा करण हो सकता है। करीना दी किसी को भी बच्चे की तरह प्यार करने के लिए उसे अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। मैंने इसे बहुत प्यार किया, बिल्कुल अपनी करण की तरह। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचानने में गलती हो गई कि मेरा करण नहीं हो सकता। मेरा करण तेरे जैसा तो नहीं था, उसका दिल बहुत बड़ा था, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता था, चोट नहीं पहुंचाता था, जैसे तुमने दिया है मुझे और पहले भी दिया था। क्या तुमने कभी मेरी आंखों में ममता नहीं देखी? क्या तुमने वो प्यार कभी महसूस नहीं किया? तो इस माँ का दिल क्यों तोड़ा तुमने? और ये पहली बार नहीं थी, इसके पहले भी तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई थी जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ऋषभ को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अर्जुन सूर्यवंशी, चले जाओ। जब से तुम हमारे जिंदगी में आए हो ना कुछ गलत हमारे परिवार के साथ हो ही रहा है। I'm sorry. नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, तुम हम सबसे दूर चले जाओ हमेशा के लिए, अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। सॉरी, जो कुछ भी गलत हुआ मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। इनफ मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, मेरी भाभी ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, किसी को भी ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं, तो इसीलिए झूठे प्रॉमिसेस करने की कोई जरूरत नहीं। कर रहा है तुम्हें, हो सकता है कोई झूठी कहानी सुना रहा हो, हाँ गलत गलत बोल रहा हो ताकि तुम उसकी हेल्प करो, तुम्हारी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। देखो आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, क्या मजबूरी है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सुना तुमने, एक औरत होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही है, कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? प्रीता क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं? ये तुमने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ मैंने नहीं पूछा, क्या पूछूं तुमसे, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जो चीज मैं जानती हूँ उसके बारे में तुमसे क्यों पूछूं? हाँ तो मत पूछो ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें यकीन होगा नहीं। लेकिन प्रीता अगर तुम इतनी बातें करती हो ना, तो जब कोई दूसरा बात करता है तो वो सुनने की भी हिम्मत रखो। तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। उस दिन मैं ऋषभ को ऑफिस में मिली थी, हम दोनों के बीच में ना बहुत बुरी लड़ाई भी हो गई थी, इनफैक्ट उसने मुझे सबके सामने वहां पर धमकी भी दी। फिर मैं ऑफिस से निकल गई और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और ऋषभ ने मुझे रास्ते पर देखा तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि झगड़ा अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है मुझे फार्म हाउस तक ड्रॉप कर दो। जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि वो एक कप चाय पीना चाहता है, तो मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की क्या मैं उसे एक कप चाय नहीं पिला सकती। ट्रस्ट किया मैंने उस पर क्योंकि मुझे लगा वो अच्छा इंसान है। जब मैं अंदर गई तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे फार्म हाउस का स्टडी रूम देखना है, कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स में वो मेरी हेल्प करना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अब तक ये सोचती थी कि ऋषभ एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना लॉयल है तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक इतना अच्छा इंसान मेरे सामने आते ही हैवान बन जाएगा, अचानक से वो मेरे करीब आया और शट अप। कितना झूठ बोलोगी, कितनी झूठी कहानियां बनाओगी, शर्म भी नहीं आती है तुम्हें इतने अच्छे इंसान के बारे में ये सब बोल रही हो और बोलती चली जा रही हो। देखो तुम जितनी बार भी ये झूठ बोल लो मुझे सच नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऋषभ जी को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम इससे? तुमने एक बार भी अपने पति से जाके पूछने की कोशिश की कि उसने इसके साथ ये सब क्यों किया? आप कौन है? मैं अंजलि की बेस्ट फ्रेंड प्रियंका, प्रियंका शर्मा। आप उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड होती तो आपको अच्छे से पता होता कि ये झूठ बोल रही है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, गलत इल्जाम लगा रही है मेरे पति पे
और इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए। क्या बोलती है अर्जुन, उसी चीज की सजा दी है उसने मुझे। लड़कियों पे कभी कोई इतना इजीली विश्वास नहीं करता, इसीलिए कितनी ऐसी लड़कियां जो जाकर कंप्लेन नहीं करती। तुम अपने आप को देख लो अर्जुन, जब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई और मेरी बात पर विश्वास क्यों करेगा। तुमने ही कहा ना कि ऋषभ ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आंखों में ये डर देखो अर्जुन, मेरी आंखों में ये जो डर है ना, ये उसने मुझे दिया है। उसने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई अर्जुन। ऋषभ जी प्लीज आप उदास मत होइए, आप देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ बेटा जी, इनफैक्ट मुझे सुकून है। मुझे सुकून है इस बात का कि जिंदगी ने, चाहे मुझे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए, पर उसी जिंदगी ने मुझे आपको दिया, जो हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी थी। अपनी किस्मत का, इस कुदरत का, पूरी कायनात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको हमारे घर का हिस्सा बनाया, मेरी जिंदगी का हिस्सा बना। ऋषभ जी मैंने आपको कहा ना, आप प्लीज ये थैंक यू वगैरह मत कहिए, और आप कुछ गलत सोचिए भी मत। सॉरी वो नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज को फेस करें। अब आपने बोल दिया तो, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव मत सोचिए, ओके? और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, और आज तुम उसी का साथ दे रहे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं है अर्जुन। कम आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं अंजलि, अंजलि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सॉरी अंजलि, सॉरी मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ। राखी मॉम, अरे आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ऋषभ से मिलने आए। भाई ऋषभ की बेल हो गई। एक्चुअली हम लोग तो पहले आना चाहते थे, लेकिन भाभी को अर्जुन सूर्यवंशी से मिलना था। अपनी दिल की भड़ास निकालनी थी। मैं तो नहीं चाहती थी भाभी वहां जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, जितनी भड़ास निकालनी थी निकाल ली, जितना सुनाना था सुना दिया। महेशी अर्जुन को तो मैंने बहुत सुनाया, लेकिन सुनाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक बार फिर उसके बातों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो अंजलि से बात करेगा और ये मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ये जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। वो अंजलि से बात करके उसे समझाएगा कि वो ये केस विड्रॉ कर ले। राखी मॉम सच में अर्जुन ने ऐसा कहा? हाँ झूठ कहा है उसने। राखी मॉम आप अभी भी अर्जुन पर कैसे यकीन कर सकती हैं? झूठा है वो, उसने हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आप उस पर और उसकी बातों पर विश्वास करना चाहती हैं? कोई हेल्प नहीं करने वाला है, वो झूठ बोल रहा है हम सबसे। इंस्पेक्टर साहब अगर अंजलि ने अपना केस वापस ले लिया तो मिस्टर ऋषभ यहाँ से जा सकते हैं। दी अगर अर्जुन अंजलि से बात करे, वो उसे ये रियलाइज करवाए कि उसे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, तो ऋषभ जी जेल से छूट सकते हैं, वो अपना केस वापस ले सकती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ऐसा नहीं करने वाला है। अरे वो ऐसा करेगा, उसने बोला तो सही। कहा ना मैंने झूठ बोल रहा है। अरे यार दीप प्लीज, क्या हम एक सेकंड के लिए अपनी ईगो साइड में रखे अर्जुन से एटलीस्ट बात कर सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अर्जुन तुमने राखी मॉम और करीना बुआ से बात की थी ना, तुमने कहा था कि तुम अंजलि से बात करोगे, उसकी गलतफहमी दूर करोगे, ऋषभ जीज को बाहर निकलवाओगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ सही कर दो, प्लीज ऋषभ जीज को बाहर निकलवा दो।
जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था ना, तो बार बार वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था कि क्या है अर्जुन में ऐसा जो मुझ में नहीं है। कौन सही है कौन गलत ये वक्त ही बताएगा, और जो गलत है उससे उसकी सजा जरूर मिलेगी। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अपनी सोच बदल दें और मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मेरा जिस पे भरोसा है उसे भी मैं ठुकरा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि तुम अंजलि से नहीं कहोगे कि वो इस केस को वापस ले ले, राइट? ये जो तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया है, मुझे पता है तुमने किसके लिए किया है, किसके कहने पे किया है। अर्जुन के लिए किया है ना, उसके कहने पे किया है ना। हाँ, क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आप लोगों का? बार बार सब ये क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है? अरे उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है इस पूरी बात से। लेकिन जिसका लेना देना है, जिसने ये सब कुछ किया है, उसको तो आप सब लोग राम बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो है राम ही है। औरतों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना कोई ऋषभ जी से सीखे, और जो इल्जाम तुमने उन पर लगाया ना, ऐसा करने का तो वो सोच भी नहीं सकते। तुम जो दुनिया को उनकी तस्वीर दिखाना चाह रही हो ना अंजलि, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। प्रीता देखो, तुम प्यार से बात कर। क्या प्यार से बात करूं मैं? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है कि तुम कितनी झूठी हो। तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देती हो, अंदर जाकर बोल दो कि तुमने झूठ बोला है। अगर तुम ये करने के लिए मानती हो तो मैं तुम्हें कोई ऐसा आइडिया देती हूँ जिससे तुम इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगी, और तुम्हारी इज्जत पर आंच भी नहीं आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होगी, कोई बात खराब नहीं होगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, और मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें तुम्हारी गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऑफर। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, जाकर ऋषभ से बोल दो कि अपनी गलती कबूल कर ले, फिर ना मैं कोर्ट में एक अपील कर दूंगी कि उसे ज्यादा सख्त सजा ना मिले। पांच सेकंड दिए थे तुम्हें, 2 सेकंड बाकी है। 2 2 1 1 0 0 I'm so sorry for you. अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इंसाफ से है, और अब तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने ला कर रहूंगी अंजलि। अब जो गलती तुमने की है उसका तुम ऐसा अंजाम भुगतोगी कि जिंदगी भर अपनी गलती पर तुम्हें पछतावा होगा। अंजलि, अब भी टाइम है तुम्हारे पास, जा अंदर, सब कुछ सच बता दे कि तुमने जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ है। मीडिया ट्रायल बना के रख दिया इस केस को, जजमेंट्स पास कर दिए कि ऋषभ लूथरा एक मुजरिम है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया तुझे जानती है, पहचानती है, आज से नहीं बरसों से वो जानती है कि ऋषभ कैसा है, बिजनेसमैन है, फिर कैसे बोल सकते मेरे बेटे के बारे में ऐसा। अंजलि, तुमने अंदर जो कुछ भी बोला सब झूठ था। नहीं अर्जुन, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। तो प्रियंका क्या कह रही थी फिर अभी कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला अर्जुन, मैंने सिर्फ एक सच छिपाया है। कौन सा सच? जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैंने भी ड्रिंक की थी ऋषभ के साथ, तो सिर्फ मैंने ये सच छिपाया कि मैंने नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं ये बोल देती ना अर्जुन, तो वो लोग मुझे गलत लड़की समझते। और सच बात तो यह है कि ऋषभ ने ही खुद ड्रिंक ली थी। अर्जुन प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अगर उनसे ये सब बातें बोलती ना तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाते, क्योंकि अर्जुन हमेशा सारी गलती तो औरतों की होती है ना। यार मम्मा को संभालो प्लीज। राकेश जी रोइए मत, आप ऐसा करेंगे तो उसका दिल बैठ जाएगा ना। आप तो तसल्ली देने आई है कि रोने? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो मुझे? बिल्कुल भी रोना नहीं। आपको पता है
मैं ऐसे माँ बाप का बच्चा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कितना कुछ सहा बावजूद इसके अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। आपको पता है मम्मा, जब मैं लाइफ में कभी लो होता हूँ ना, तो मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। मैं आपको देखता हूँ ना, मैं एकदम सही हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा? आप बताओ, हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा, ऐसा है ना, वो कैसे सहा है? क्योंकि हम सब लोग साथ में थे, एक साथ थे ना हम लोग सब, अब भी साथ में रहेंगे, ठीक है? आई प्रोमिस यू, मैं घर वापस आऊंगा। आप सिर्फ इतना करना, मुझ पे ना विश्वास करना कि मैं लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का सर झुके या मेरे घर की बदनामी हो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अपने आप से ज्यादा मुझे तुझ पे विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कभी करना तो दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे गर्व है तुझ पे, तू लूथरा खानदान का नाज है। हम सबको सर, प्रीता और शशि मैम आपसे मिलने आए हैं। नहीं, उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ओके सर। लेकिन हमें तो आप यही दिख रहे हैं, क्या हो गया मलकानी जी? आप हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप तो हमारे फैमिली लॉयर हैं। देखिए मिसेज लूथरा, मैं एक लॉयर हूँ और अपनी चॉइस के हिसाब से मैं केसेज ले सकता हूँ। आपकी चॉइस है? और इससे पहले तो आपने हमारे हर केस लड़े हैं, कभी मना नहीं किया, तो फिर आज क्यों? हाँ ये सही है कि पहले मैं आपके सारे केसेज लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, पर ये केस बहुत पेचीदा है। पर आपने केस सुना ही कब? आपने तो सुनने से पहले ही उसे लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि अब मैं मिस अंजलि का लॉयर हूँ और उनकी कही हुई हर बात पर मुझे विश्वास है। एक मिनट, आप अभी अंजलि के लॉयर हैं और आपको उसकी बातों में विश्वास? अरे आप हमारे साथ कितने वक्त से काम कर रहे हैं, आप लूथरा फैमिली के मेन लॉयर हैं और आप तो ऋषभ जीश को कितने अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको ऋषभ जीश पे विश्वास नहीं, कल की आई हुई लड़की पे इनको विश्वास है? कोई बात नहीं सृष्टि, जाने दे, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसे कैसे जाने दे, कल तक तो यही कह रहे थे कि हमें आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, जुड़े रहना है आपकी फैमिली के साथ, हमारी कंपनी के साथ, और आज ये हमारा केस सुनने से पहले ही हमें मना कर रहे हैं। सुनने जैसा कुछ है भी नहीं, सबको पता है, और मैं ही क्या, ऋषभ का ये केस कोई भी वकील नहीं लेगा। क्या वो जानता हूँ मेरे बारे में सोच रही है? बोलिए आपको जो बोलना है। कभी कभी लगता है तुम पे विश्वास कर लो, और पता नहीं मेरा दिल कहता है कि तुम जानते हो कि ऋषभ बेगुनाह है, जानते हो ना? मैं नहीं जानता कि वो बेगुनाह है या नहीं, क्योंकि ऋषभ गुनाहगार है, ये बात साफ साफ पता चल रही है। और वैसे भी अंजलि ने जितने सबूत दिए हैं कि उनको देख के कोई भी नकार नहीं सकता। मिस्टर मलकानी, आपके बारे में ये बात सुनी थी कि आप अगर कोई केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो 50% नहीं 100% विक्ट्री वही हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको कह दूं कि ये जो केस आप लड़ रहे हैं, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इसके आसपास दिखे या फिर ये हमारे आसपास दिखे, इससे जितना दूर रहेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ प्लीज, ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं कहा कि मुझसे बात ना करें, लेकिन तुमसे कह रही हूँ मुझसे बात मत करो। जब तुम्हें सुनती हूँ ना तो आंखों में सिर्फ गुस्सा भर आता है, और जब तुम्हें देखती हूँ तो नफरत सी हो जाती है मुझे तुमसे। देखो अर्जुन,
भगवान ने मुझे दो बेटे दिए थे, लेकिन एक बेटा मैं खो चुकी हूँ। अपनी किस्मत समझ के मैंने वो भगवान का फैसला स्वीकार कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरा ऋषभ बचा है, तो प्लीज मेरे ऋषभ का पीछा करना छोड़ दो, मेरे परिवार को बख्श दो। और मैं जानता हूं उन्हें किस चीज से खुशी मिलेगी। उन्हें इस चीज से खुशी मिलेगी कि ऋषभ जेल से बाहर आ जाए और उस पर जो लगे इल्जाम है वो वापस ले लिए जाए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंजलि, प्लीज प्लीज वो केस वापस ले लो। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। अर्जुन, अगर ऐसे ना बार बार सबके दर्द देखकर तुम टूटते रहोगे ना, ऐसे कमजोर पड़ जाओगे ना, तो तुम कभी भी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि उस प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कितना गलत किया है उसने तुम्हारे साथ। इतनी सारी गलतियां की है उसने, पास्ट का तो छोड़ो, अभी भी उसने इतनी सारी गलतियां की और उसको ना इस चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि तुम भूल गए शायद, तुमने काव्या की जान बचाई थी तो उसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने आकर तुम्हारे हाथ में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थमा दिया, अपनी बेटी से दूर रहने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया। तुम्हें ये सब क्यों दिखाई नहीं देता है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रीता सही है, मैं जानता हूँ कि वो गलत है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ फिलहाल बात ऋषभ की हो रही है अंजलि, और अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो ना तो तुम अभी पुलिस स्टेशन चलोगी और उसका केस वापस लोगी। चलो मेरे साथ। सर, प्रीता मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। अंजलि, अब मैं बाहर जाऊंगा और प्रीता से जाके कहूंगा कि तुमसे कोई गलती हो गई है, कोई तुम्हें गलत फहमी हो गई थी और तुम जाकर केस वापस ले रही हो। ओके? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या क्या कहना चाह रहे हो? अब क्या किया है मैंने? नहीं नहीं, कोई नहीं लेगा ये केस। मिस्टर सूर्यवंशी के यहां से कॉल आ गया है, तो अब ये केस लेके कौन पंगा लेगा उनसे? हाँ, प्रीता लूथरा आए थे अभी सर से मिलने थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं सर, ये केस बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे सर, तो क्या कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि सर के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि सामने मिस्टर सूर्यवंशी है। हालांकि अभी उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है, और वैसे भी लोग उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं ना, और मिस्टर सूर्यवंशी उगते हुए सूरज है। सारे लॉयर्स को फोन करके ये कह दिया कि कोई ऋषभ जी का केस नहीं लड़ेगा। हाउ डिस्गस्टिंग ऑफ यू। मुझे क्या जरूरत है करने की? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं ये सब करूंगा? हाँ, मुझे यही लगता है कि मेरे परिवार के खिलाफ कुछ करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ये जो अपना नाटक है ना, अपना झूठा चेहरा है, जो तुम भोले बनते हो, अच्छे बनते हो, ये किसी और को दिखाना। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या हो। तुम्हारी हर चाल, हर मूव को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। तुम ही ने ये किया है, सबको कह दिया कि ऋषभ जी का केस ना लड़े। क्या तुम फालतू के इल्जाम लगा रही हो प्रीता? अरे मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं कोई मुंबई का किंग हूँ जो मेरी बात मानेंगे वो लोग? किंग नहीं हो, लेकिन एक राइजिंग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर हो, और उगते सूरज को कौन सलाम नहीं करता है। आज सब तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है, इसलिए तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? तुम चाहे मुझे दुनिया से गायब कर दो, पर मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकती हो। तुम मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, कर लो। Will you marry me? हाँ। क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। मैंने कहा, मैंने कहा, हाँ हाँ, करती हूँ मैं प्यार, प्यार। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्यार करती हो तुम, मतलब तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड करण से भी ज्यादा प्यार करती हो। नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, अक्सर ये होता है कि जो हमारे सामने होता है, जो अवेलेबल होता है, हम उसी से प्यार कर लेते हैं। सो इमोशंस ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं तुमसे करण की बात करता हूँ, तुमसे डाल देती हो।
अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम टालती क्यों, इसलिए टालती हो क्योंकि तुम करण से प्यार नहीं करती, या फिर इसलिए टालती हो क्योंकि तुम अब ऋषभ से प्यार करती हो? Oh, shut up. पहली बात तो तुम्हारा मतलब क्या होता है मुझसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस करने का? कितनी बार कहूं मैं तुम्हें, मुझे तुमसे करण की कोई बात नहीं करनी। अरे इसलिए तो मैं पूछता हूँ हजार बार तुमसे, क्योंकि तुम मुझे बताती नहीं हो। जब भी मैं तुमसे करण के बारे में बात करता हूँ तुमसे टाल देती हो, तो मेरे दिमाग में तो यही कंक्लूजन होगा ना कि तुम करण से प्यार नहीं करती हो और सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हो। Stop it! क्या जानना चाहते हो तुम कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूँ कि नहीं? तो करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आज मैं कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया उतना करती हूँ। कि तुम बहुत ही पावरफुल और डेंजरस आदमी हो, तो मैं एक बात बता दूं, यू आर डिल्यूजनल। तुम पावरफुल और डेंजरस नहीं हो, एक बहुत ही घटिया इंसान हो, और जितना घटिया मैं तुम्हें समझती थी उससे घटिया काम किया है तुमने। आज तक तो मैं तुम्हें बुरा समझती थी ना, लेकिन ये जो तुमने किया है इसके बाद तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी नजरों में। I'll see you in court. पहले कोई ढंग का लॉयर ढूंढ लेना, उसके बाद मिलना मुझे कोर्ट में। अरे अंजलि तू ठीक तो है बेटा? जी दादी मैं ठीक हूं। जा जाके आराम कर ले। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं ऋषभ जी की पत्नी हूं, प्रीता ऋषभ लूथरा। क्या जानना चाहते हो तुम कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूं कि नहीं? तो करती हूं, बहुत प्यार करती हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया उतना करती हूं। जब भी मैं तुमसे करण की बात करता हूं तुमसे टाल देती हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम टालती क्यों, इसलिए टालती हो क्योंकि तुम करण से प्यार नहीं करती, या फिर इसलिए टालती हो क्योंकि तुम अब ऋषभ से प्यार करती हो? अर्जुन को हमारी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या है उसकी असलियत? क्यों है वो हमारे खिलाफ? आखिर है कौन वो? मैं वो हूं प्रीता, जिसके प्यार के बदले तुमने उसे धोखा दिया, जिसकी पीठ में तुमने छुरा घोंपा, और अब मैं वो हूं जो तुम्हें उस धोखे की सजा देगा। तुमने मेरे साथ जो गलत किया उस गलती का सबक देगा, ऐसा सबक जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ताकि कोई भी लड़की किसी भी लड़के की जिंदगी उसके दिल उसकी फीलिंग्स के साथ खेल खेलने से पहले हजार बार सोच ले, सबको पता चल जाए प्यार में धोखे की सजा क्या होती है, धोखे के बदले क्या मिलता है। मिल गया तुम्हें लॉयर, कौन है वो जो तुम्हारा ये केस लड़ना चाहता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लॉयर इतना घिरा हुआ है जो ऐसा केस अपने हाथ में लेगा। कोई नहीं। Well, तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि मुझे एक लॉयर मिल गया है। हाय दामिनी जी, ये अंजलि है, और अंजलि ये ऋषभ जी की लॉयर मिस दामिनी। मलकानी, अब आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो क्या फायदा रहेगा? कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ गया ना
कि ऐसी घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा है। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमारा केस लड़े। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगता। It's fine, Dad. It's fine. बैठ जाइए। मुजरिम को कटघरे में खड़ा किया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट मलकानी, मिस अंजलि का लॉयर। और माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट दामिनी, मिस्टर ऋषभ की लॉयर। माय लॉर्ड, मिस्टर ऋषभ ने मेरे क्लाइंट के साथ छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की। इनका घिनौना सच मेरी क्लाइंट खुद आपको बताएंगी, तो मैं अपनी क्लाइंट मिस अंजलि को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। सच का पलड़ा हमेशा भारी होता है। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि वो ऋषभ जी के सच को हारने नहीं देंगे। जब मेरी मेड वहां पर चाय लेकर आई तो हम स्टडी रूम में थे। वहां पर इन्होंने शराब की बोतल ली और थोड़ी सी शराब भी पी थी। मैं डोंट लाई, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। जज साहब, आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं पी। इसने मुझे इंसिस्ट किया था। ऑर्डर ऑर्डर, कहा था ना आपको बीच में मत बोलिए। आपको भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा। मिस अंजलि, आगे क्या हुआ? जज साहब, इन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझे मोलेस्ट किया इन्होंने। मिस अंजलि, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। मिलोर्ड, ये सिर्फ बातें नहीं है, इन बातों के ठोस सबूत भी हैं। मिस अंजलि के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, उन्हें देखने पर यह बात साफ साफ दिख रही है कि मिस्टर ऋषभ घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके शर्ट के बटन खुले हैं और वो उसे बंद कर रहे हैं। और ये रहे इसके सबूत। मिलोर्ड, मिस्टर ऋषभ के इरादे पूरे नहीं हुए। मिस अंजलि ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे लड़ने लगी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इन्हें लगा कि इनके नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे, कि वहाँ से निकल जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ये भाग निकले। मैंने नहीं किया ये सब। सब मेरी बात का बिलीव कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। मैंने नहीं किया ये सब, वैसे नहीं हूँ, मैंने नहीं हाथ लगाया उसको। मिलोर्ड, हमारी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज और विजुअल्स तो झूठे नहीं हो सकते ना। यस मिस्टर मलकानी।
वैसे सच कहूं तो आज समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। समझना क्या है इसमें समीर भाई, कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो हमारे फेवर में हो और उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। काम हो गया ना, जस्ट बी थैंकफुल। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? चाची अर्जुन के बारे में। जो भी उसने किया, उसके पीछे उसकी क्या वजह थी, कुछ समझ में नहीं आई। देखिए ना, वो अचानक से कोर्ट में है, शब्बिया को बचाया, उनकी साइड ली। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम ये केस हार जाते, फिर हायर कोर्ट में जाना पड़ता, अपील करना पड़ता, 100 कॉम्प्लिकेशंस होती और कोई ऑप्शन नहीं होती हमारे पास। उसकी वजह से ही ऋषभ भैया बचे हैं। अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि। बस अर्जुन, अब एक बात और नहीं, क्योंकि अपनी बात समझाने का हक ना अर्जुन तुमने खो दिया है। अब मेरे फैसले मेरे होंगे, मेरे फैसलों पे ना तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। रिलैक्स। एक सेकंड, जब तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी होती ना तो तुम ऐसे हाथ दिखाकर चुप करा देते हो। आज मैं भी वही करूंगी, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, ना कोई सफाई ना कोई शिकवा, कुछ नहीं अर्जुन, कुछ भी नहीं। ठीक है जाओ, नहीं रोकूंगा तुम्हें, पर जाते जाते आखिरी बात सुनती जाओ। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, मेरे हित में किया, तुम्हारे इरादे नेक थे अंजलि, मैं जानता हूं। पर अंजलि तुम भी मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, मैंने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं सब खुद अपने दम पे लड़ी है, तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी अंजलि, ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्यों किया तुमने ये सब? वैसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अर्जुन ने ये केस वापस लिया कैसे। अरे कोर्ट के बाहर तो मैं उससे मिली थी, गिल्ट नाम की चीज नहीं थी उसके चेहरे पर, अरे गुस्सा भरा पड़ा था, बस जल्द से जल्द ऋषभ जी को सजा दिलवाना चाहता था वो। और अंजलि वो भी सेम, सिर्फ यही चाहती थी कि जल्द से जल्द ऋषभ जी केस हार जाए। तो बाहर ऐसे और अंदर आते ही अर्जुन चेंज कैसे हो गया? ऊपर से इल्जाम खुद पर ले लिया, अंजलि को भी ब्लेम किया, दोनों अब इस कार्रवाई में फंस गए हैं। इतना बड़ा बदलाव। आप लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि उसने जो किया क्यों किया। मैं जानती हूँ कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता क्यों अपनाया, सच मैं जानती हूँ। क्यों मम्मा, क्या हुआ, क्यों किया इसने ऐसा? राखी जी अगर आपको पता है तो बताइए ना, क्यों किया अर्जुन ने ऐसा? महिषी बात यह है कि कोर्ट के बाहर अर्जुन से मैं मिली थी, मिलके एक ही बात कही उससे कि मेरे बेटे को छुड़वा दो, ऋषभ ने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो बेकसूर है, एक ही रिक्वेस्ट की, ये केस वापस ले लो। उसने मेरी बात का सम्मान रखा और एक बार कहने से उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, मेरी वजह से, मेरी खातिर। अम्मा मुझे मालूम है कि आप माँ होने के नाते मेरी चिंता करते हो, इसलिए आपने ऐसा किया, पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए था, उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी आपको। माँ आपको उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का ये अहंकार। पुत्र मेरी बात समझने की कोशिश करो, रिश्ते अहंकार से नहीं चलते, प्यार से चलते हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अर्जुन इतना बुरा लड़का नहीं है। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में अर्जुन पागलपंती कर बैठता है, बिल्कुल करण की तरह की तरह। बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता था, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो जानबूझ के किसी को हर्ट करने की कोशिश करता है, नहीं, वो बस बिना सोचे समझे कर लेता है, गलती हो गई उससे, लेकिन उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की ना, ऋषभ के सर पे लगा इल्जाम अपने सर पे ले लिया ना, तो क्या हम उस इंसान को एक मौका और नहीं दे सकते क्या? आप सभी लोगों ने देखा ना कि कोई भी लॉयर ऋषभ का केस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ मोलेस्टेशन। ऋषभ को छुड़वाना बहुत मुश्किल था, नियरली इम्पॉसिबल, इसलिए अर्जुन ने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। आप लोग ही बताइए ना
आज के जमाने में ऐसा कौन सा इंसान है जो सच को स्वीकार करता है? देखो ऋषभ पुत्र, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, तुम दोनों के बीच में ये जो भी गलतफहमियां हैं, दुश्मनी है, सब कुछ भूल जाओ, दफना दो उस सबको और हाथ मिला लो। हम अपने सर पे ले लिया और आज मेरा बेटा हमारे बीच बैठा है। क्या ये बस नहीं है कि हम उस बच्चे को माफ कर दें? और फिर वो तो कोई गैर है ही नहीं ना, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों जिंदगी हर मोड़ पे हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देती है। पता नहीं क्यों मुझे अर्जुन अपना सा लगता है। आप सब लोग मेरी बात मान लीजिए, उसे एक मौका दीजिए, एक बार उस बच्चे को माफ कर दीजिए, मेरे लिए ही सही, मेरा मन रखने के लिए। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। आप माँ हो और एक माँ कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप यही चाहते हो ना कि मैं अर्जुन के पास जाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं, यही ना? बस इतनी सी बात, मैं चला जाऊंगा। आपके लिए, आपके प्यार के लिए, इस परिवार के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं सब कुछ कर दूंगा मां। जी, मैं अर्जुन से मिलने जा रहा हूं। एक मिनट, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं चेंज करके आता हूं। राखी जी, आप एक्चुअली में सही में चाहती हैं कि ऋषभ और अर्जुन दोस्त बन जाए? मतलब क्यों? आपको अर्जुन थोड़ा सा अजीब लगता है? यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे लगता है हम सबको अर्जुन को समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। माना, माना मैंने कि वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। गुस्से में आके गलत फैसले ले लेता है, बिल्कुल मेरी करण की तरह। मुझे अर्जुन में मेरा करण दिखता है। जब गुस्सा होता है कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब शांत हो जाता है और जब उसे शांति से समझाता है कोई, तो वो समझ भी जाता है। आपने देखा ना, कोर्ट के बाहर जब मैंने उसे शांति से समझाया कि मेरा बेटा निर्दोष है, ऋषभ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, जब वो कोर्ट में आया जज के सामने, तो सच कहा, पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। देखा ना आपने, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं महेश जी? मुझे आपकी चिंता हो रही है राखी जी। राखी जी, अर्जुन एक आग का दरिया है और आपका मन व्हाट द हेल। अंजलि, तुम मुझे बताओ व्हाट द हेल, हाँ? और ये बताओ कि इतने पानी से तुम्हारी उतरी है या और पानी लेकर आऊ? नहीं नहीं, उतर गई, उतर गई। क्या कर रही हो अंजलि यार, तुम पूरा बेड गीला कर दिया। तुम लोगों ने जो करण के साथ किया ना, उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। प्रीता जी, समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ ये इंसान कैसे बोल सकता है, इतना गलत, इतना भाईयाद, क्या सोच रहा है वो अपने दिमाग में? प्रीता जी, आप नहीं, करण का नाम क्यों लिया उसने? रीता जी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी थी। ऐसे आदमी नहीं, पहली बार नहीं है, आपको नहीं पता है, वो कई बार करण का जिक्र कर चुका है। करा है उसने? जब बात करता है वो करण का नाम लेता है जी। कोई ना कोई उसकी बात जरूर छेड़ता है, क्यों करता है वो ऐसा? उसने बहुत सी गलत बातें कही, जिसके लिए
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, I'm sure आपको भी आ रहा होगा। हमें उसको खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था, आपने तो लगा दिया, लेकिन लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन सी बात कर रही है? करण का बदला लेना चाहता हूँ। करण? हाँ करण, तुम्हें याद भी है तुमने कम से कम 100 बार करण का नाम लिया होगा। तुम बार बार उन दोनों को ये बोल रहे थे कि मैं तुम दोनों से करण का बदला लूंगा। अर्जुन, तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। तुम्हें पता है तुमने ऋषभ से क्या कहा कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो तुम पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन इतना दर्दनाक वक्त दूंगा कि तुम याद रखोगे, और फिर मैं प्रीता से भी बदला लूंगा। और तुम दोनों की जो ये शादी है, ये मुझे खोखली लगती है, तो मैं तुम दोनों की शादी में आग लगा दूंगा, तबाह कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन सूर्यवंशी को अब प्रीता से शादी करनी है, वो भी 7 दिन के अंदर। तुमने इतनी बकवास की अर्जुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अर्जुन। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्शियस, सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था ना, उसी वक्त तुमने सब कुछ बोल दिया, उनके मुंह पे तुमने सब सच बता दिया। तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। क्या मतलब है करण का बदला लेगा? ये सब बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है? क्यों कर रहा है ये सब? उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है करण का इस तरह नाम लेने की बार बार? नहीं, वो जितना वो करण का नाम लेता है ना, उतनी मुझे उससे नफरत होती है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे मालूम है, एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी है, अब उसकी बातों से, उसकी वजह से उसने बोल दिया। आप परेशान हो रही हैं प्रीता जी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ है, आप देखना कल वो आ जाएगा माफी मांगने के लिए, और मुझे मालूम है जो उसने किया वो बहुत गलत था, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। पर उसके लिए मैं आपको परेशान होता नहीं देख सकता प्रीता जी, आप इधर आइए। अपने मुंह से करण का नाम क्यों लेता है वो? नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं है इस बात का। अब ना मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, तुम जाओ वहां पर उनके पास, कोई भी झूठी कहानी बताओ तुम उनको, कुछ भी बोलो, और सबसे पहले ना उनके बिजनेस पर वार करो, और छिप कर वार करो, ताकि तुम्हारे वार को कोई रोक ना पाए। ऋषभ लूटा भी नहीं, लेकिन अपना ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है, उसे एकदम अलर्ट कर दिया है, वो पहले की तरह तुम पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पता है कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस जगे हुए ऋषभ लूथरा को तुम्हें हराना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल को तुम्हें पॉसिबल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये बाजी जीतनी होगी। बहुत शौक है ना अर्जुन सूर्यवंशी को जीतने का। अर्जुन सूर्यवंशी, करो जितनी कोशिश करनी है तुम्हें जीतने की, तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम गलत थे और आज भी गलत हो। मैं कल ही पूरे परिवार से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। परिवार के सामने जाकर बात करोगे? मतलब वही जो तुमने कहा वही करूंगा। मतलब कोई नई कहानी बनाकर सुनाओगे उन्हें, राइट? ठीक है, तुम सो जाओ अब।